चुटकियों में कट कर सकता हूँ और चुटकियों में बदल सकता हूँ, ऐसे 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 चाहे जैसे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ग्रीन स्क्रीन सेटअप किया, फिर लाइट्स मैंने लगाए। अभी लाइट्स प्रॉपर मैंने सेटअप नहीं किया है, बस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपने दिल्ली का ग्रीन स्क्रीन सेटअप। दोस्तों आपको पता होगा, आपने अगर मेरा ब्लॉग चैनल फॉलो किया होगा तो मैं 2 अक्टूबर को दिल्ली आया था। उसके बाद मैं नैनीताल गया था, फिर आगरा गया था और भी कई जगह पर मैं घूमा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे वीडियो शूट करने में कैसे करूँगा, तो मैंने एक ग्रीन स्क्रीन ख़रीदा और ये जो स्टैंड है आप देख सकते हैं, स्टैंड और ग्रीन स्क्रीन ये मैंने लिया। फिर उसके बाद मैंने लाइट ख़रीदा, ये लाइट कुछ 7,000 रुपये के मिले मेरे को, दोनों 7,500 के आसपास है, सॉफ्ट बॉक्स के साथ में। इसमें 3 LED बल्ब है, मस्त सेटअप हो गया और मैं कहीं भी आराम से शूट कर सकता हूँ। कहीं भी का मतलब कि बैकग्राउंड अच्छा ना हो तो मैं शूट कर सकता हूं। तो वही मुझे दिखाना था कि मैं कैसे अपने वीडियो शूट करता हूं ग्रीन स्क्रीन पर, जब से मैं दिल्ली में हूं, 1 महीना हो गया मेरे को दिल्ली में आके। लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम ग्रीन स्क्रीन से कैसे शूट कर रहे हो, थोड़ा दिखाओ, तुम्हारा सेटअप दिखाओ। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, ओवरव्यू दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं एक चेयर डालूंगा, चेयर कोई भी हो सकता है, मान लीजिए ये वाला चेयर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और अभी एक्चुअली इसमें लगा है वाइड एंगल, ठीक है, वाइड एंगल वाला वो क्या बोलते हैं लेंस लगा हुआ है। जब मैं शूट करता हूं तो मैं 50mm पर शूट करता हूं और 50mm पे यहां पर सामने एकदम कैमरा लगा देता हूं और ये जो आपको ग्रीन स्क्रीन भर ही दिखता है फ्रेम में, ताकि वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और हम उसके जगह पर कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब यहां पर देखिए मेरे पास सिर्फ 2 लाइट्स हैं, 2 लाइट्स मेरे फेस को मस्त लाइट दे रहे हैं, बट नीचे की साइड में लाइट कम आते हैं, नीचे की साइड में या फिर शेडो ना आए इसके लिए हमें एक और लाइट की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं आई थिंक बैक लाइट, है ना। तो बैक लाइट के लिए एक अपने को इस साइड से या फिर इस साइड से कहीं से भी अपन थोड़ा शोल्डर पे मार सकते हैं, तो ताकि ग्रीन स्क्रीन कटने में दिक्कत ना हो। अगर आप अपना ग्रीन स्क्रीन सेटअप करना चाहते हैं तो 3 लाइट्स का यूज करिए, मैं फिलहाल 2 लाइट्स का ही यूज़ कर रहा हूँ। और सॉफ्ट बॉक्स वाली लाइट काफ़ी सही होती है, एकदम सॉफ्ट होती है लाइट। आप बल्ब वगैरह जुगाड़ उगाड़ करके कर लोगे लेकिन वो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो मैं तो बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, अगर आप वीडियोग्राफी करते हो या फिर अगर आप यूट्यूब करते हो तो लाइट्स में आप थोड़ा सा वो करो। अब मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ शूट करता हूँ फिर मैं उसको एडिट करूँगा, और एडिट मैं किस सॉफ्टवेयर पर करता हूँ, प्रीमियर प्रो पर करता हूँ। कैमटेसिया पर भी आप एक ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं, हालांकि ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए जो आपके कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ना, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। कम से कम 2 GB ग्राफिक्स है आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, तो थोड़ा सा झेल पाता है। रेंडर होने में काफ़ी समय लेता है ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोस, बट आप मनचाहा बैकग्राउंड डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी, मैंने 50mm का लेंस लगा लिया है और अब थोड़ा क्लोजअप आ रहा होगा, लाइक थोड़ा जूम आ रहा होगा। अब बैकग्राउंड में सिर्फ ग्रीन स्क्रीन आ रही होगी और मेरा थोबड़ा दिख रहा होगा आपको। तो अब मैं यहाँ पर ईजिली बैकग्राउंड को ऐसे चुटकियों में कट कर सकता हूँ और चुटकियों में बदल सकता हूँ, ऐसे 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 चाहे जैसे। तो ग्रीन स्क्रीन काफ़ी कमाल है और इस पर आप चाहे जिस तरह का चाहे फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, या फिर आपको जयपुर जाना है, जयपुर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे जयपुर का कुछ लगा दीजिए। किसको क्या पता चलने वाला है, आजकल देखिए सोशल मीडिया पर ये सब चकाचौंध लोगों को दिखाया जा रहा है, तो आप भी ऐसे चकाचौंध दिखाइए। जोक्स अपार्ट, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ग्रीन स्क्रीन है रिमूव कैसे होती है। मैं अभी जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ मैं प्रीमियर प्रो। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं यहाँ पे चुटकी बजाते हुए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो चेंज कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कहीं और दिखाता हूँ, लाइक ये तो हो चुका है, इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए आपने ग्रीन स्क्रीन पे कुछ ऐसी फुटेज आपने रिकॉर्ड करी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ इसमें और इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना है अल्ट्रा। तो यहाँ पर अल्ट्रा आपको सर्च करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा की। अब इसको ड्रैग करके आपके वीडियो पे डालना है। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इफ़ेक्ट कंट्रोल देख सकते हैं ऊपर, और इसमें थोड़ा सा नीचे आपको आना है। यहाँ पर एक पिन दिख रहा होगा, इस पिन को लाना है और इस पर क्लिक करना है। देख रहे हैं बैकग्राउंड गायब हो चुका है। अब इसके नीचे यहाँ पर हम कोई भी अगर फुटेज डालते हैं, कोई भी हम पिक्चर डालते हैं, तो वो हमारे बैकग्राउंड में आ जाता है। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इसमें अगर कोई फाइल है, तो कोई इमेज है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ, मैं कोई और यहाँ से वीडियो उठाता हूँ बैकग्राउंड और उसको मैं वहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से ड्रैग करके मैं इसमें ड्रॉप कर देता हूँ। अब फिर यहाँ से खींच के यहाँ पे ला देता हूँ। एक्चुअली इसमें ऑडियो है, तो ऑडियो को मैं हटा दूँगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये ऊपर की ओर आया तो मैं ढक गया, हमें इसको नीचे लाना है। तो मैं कट करके इस वीडियो को आगे का पार्ट हटा देता हूँ और इसको नीचे ला देता हूँ। अब देखिए बैकग्राउंड हो चुका है चेंज। ये तो हो गया एडोब प्रीमियर प्रो अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास कैमटेसिया है तो मैं उसमें भी बता देता हूँ। कैमटेसिया में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। फिल्मोरा में भी शायद हो जाता है, तो फिल्मोरा में भी आप एक कर सकते हो। वहाँ पे क्रोमा की का होगा या फिर ग्रीन स्क्रीन कुछ ऐसा लिखा होगा। मैं इस फुटेज को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मोर पे आते हैं। अब यहाँ पे विजुअल इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, ठीक है। विजुअल इफ़ेक्ट्स में आप देखेंगे रिमूव अ कलर करके एक ऑप्शन आता है, हमें इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक सिलेक्ट करने वाला टूल मिल जाता है। अब आपको इस पर सिलेक्ट करना है। अभी भी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा रह जाता है, तो यहाँ पे टॉलरेंस वगैरह बढ़ा के हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी सही हो गया है। अब हमें इसके पीछे, तो यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड पकड़ के और कैमटेसिया में ले जाता हूँ और इसके नीचे की तरफ लगाता हूँ, ठीक है। और जितनी बड़ी फुटेज रहेगी उतने ही देर तक वो काम करेगा। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पीछे लग गई। तो हम कैमटेसिया में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैंने प्रीमियर प्रो पे, मैं ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ, तो प्रीमियर प्रो पे कुछ ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं। इस बात के लिए गाइस लाइक होना चाहिए। तो कुछ ग्रीन स्क्रीन का ऐसा कमाल होता है, काफ़ी ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, क्रोमा की इसको बोलते हैं या फिर प्रीमियर प्रो में अल्ट्रा की इसको बोलते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग नाम इसको दिया गया है, हालांकि ये क्रोमा की इस टेक्निक को बोला जाता है। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने क्रोमा की के ऊपर प्रेजेंटेशन भी दिया था कि इसको क्या समझ में आने वाला है। कोई वीडियो ऑडियो के टाइप में तो था नहीं, किसी को पता ही नहीं था वीडियो के बारे में, तो इसीलिए मैंने क्रोमा की के बारे में प्रेजेंटेशन दे दिया, मार्क्स अच्छे मिल गए थे। तो गाइस कुल मिला के बताने का मकसद यह है कि मैं अपना सेटअप आपको दिखाना था, और अगर आप चाहते हैं ग्रीन स्क्रीन का सेटअप करना तो मैं इनके लिंक्स नीचे डाल दूंगा, अमेज़न के लिंक्स डाल दूंगा, अफिलिएट लिंक है, जो लोग लेंगे उससे मेरे को भी कमीशन मिलेगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा, तो अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। और देखो ये काफ़ी पोर्टेबल भी है, हम चाहें तो इसको बॉक्स में भर के जहाँ जाएँ वहाँ पर लेके जा सकते हैं। अगर आप इधर उधर जाते हो शूट करने के लिए, तो ये लाइट्स को भी हम डिसेंबल कर सकते हैं, इवन ग्रीन स्क्रीन को इसको चपोत के, भोजपुरी में चपोत के, और जो स्टैंड है उसको भी हम नीचे करके, मतलब पाइप को क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड को भी हम कवर करके बॉक्स में डाल के, मैं बॉक्स दिखाता हूँ। तो ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स में हम लोग भर सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा बल्की हो जाता है, इसके लिए आपके पास गाड़ी वगैरह होनी चाहिए अगर आप लेके जाना चाहते हो। तो दोस्तों आई होप आपको आज का जो सेटअप वीडियो था मेरा दिल्ली वाला, वो आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोग व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर व्लॉग्स लेके आ रहा हूँ, तो आप अगर व्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो यही था, अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो आज का सेटअप तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना दूसरों के साथ में जो ग्रीन स्क्रीन का सेटअप वगैरह देखना चाहते हैं। हालांकि अभी इसमें मैं बीच में ट्यूटोरियल भी ऐड कर दूंगा कि कैसे हम सेटअप हटाते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर पैसे कमाने के बारे में इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले लाइफ में कुछ अलग करने का, कुछ अच्छा करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो बचाते रहो।